हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे बिगिनर को ऑन ड्राइव कैसे खेलने चाहिए और उसके बाद हम कुछ बताएंगे आपको कि ड्रिल्स कौन कौन सी कर सकते हो। पहले हम जो कर रहे हैं अभी क्या है, बैट्समैन जो है नॉर्मली खड़ा रहेगा स्टांस में, ऑन ड्राइव की पोजीशन में आएगा और उसको सिर्फ एक फ्लो में ड्राइव मारना है। कोशिश करनी है जितना हो सकता है ऑन ड्राइव की तरफ बॉल जाए, तो देखते हैं कि क्या होता है। पैर निकालो, प्लेड ठीक है, शाबाश, बढ़िया, नॉर्मल पहले आने दो बॉल को ना, ठीक है, हाँ बॉल को आने दो, बॉल पैड पोजीशन, ये गुड, नॉर्मल ब्रीथिंग रखनी है, शाबाश, हाँ कलेक्ट करो बॉल। तो इसमें देखा आपने कि बैट्समैन क्या कर रहा है, कई बार क्या है जल्दी कर जा रहा है, तो आपको कोशिश करना है जब तक बॉल डिप हो तो आपका बैट यहीं रहे, उसके बाद आए। अगर आप बॉल डिप होने से पहले ही आ जा रहे हो तो आपका जो ड्राइव है ना वो करेक्ट नहीं होगा। कोशिश करें जब तक वो डिप करने दे बॉल को, डिप के बाद आप बॉल की तरफ आए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपकी जो हेड पोजीशन है वो बॉल को ऐसे नहीं देखना, आपको बस यहीं पे हेड रखना है स्टेप, आपको बस वेट करना है बॉल के टिप्पी का, उसको पढ़ने के बाद ही आप ऐसे ना वॉच करें, कोशिश करें जो आपका पार्टनर है वो बॉल यहाँ डिप करे, ठीक है। प्रिया आप क्या कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे हेड, तो आपको हेड ऐसे ही रखना है, बस आइज जो है वो बॉल को फॉलो करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, तो ऐसे करके नॉर्मल ड्राइव करें। गुड वन, गुड शॉट, शाबाश, ठीक है बेस्ट, चलो वापस से, गुड। अब हम बात करेंगे सेकंड ड्रिल के बारे में। तो सेकंड ड्रिल जो होगी हम बैट्समैन को और अंडरआर्म करेंगे। अंडरआर्म से क्या करना है, बैट्समैन को सेम पोजीशन में ही रहना है, आइज से बॉल को फॉलो करना है और ऑन ड्राइव की पोजीशन में आना है। चलो लेड, ठीक है। अब इसमें क्या है, नॉर्मली सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें, नॉर्मली अगर आपने देखा हो तो टो की पोजीशन बहुत मैटर करेगी। अगर आप देखोगे हमारा जो टो है वो बॉल की तरफ होना चाहिए, जितना आपका टो बॉल की तरफ होगा उतना इजीली आप बॉल को खेल सकते हो। अगर आपका टो बॉल की तरफ नहीं है और बॉल यहाँ है तो आपके एलबी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें जितना हो सकता है टो को बॉल की तरफ लेके जाएं और नॉर्मली बॉडी को एक फॉलो थ्रू बोलते हैं जैसे फिनिशिंग करें। आप देखोगे ऑन ड्राइव पे जो आपका बैक लेग रहेगा वो टो पे रहेगा और कोशिश करना है जितना हो सकता है हिप रोटेशन रखें और ऑन ड्राइव की तरफ जाने दें। होगी वो होगी ओवर आर्म, उसमें देखना है कि बैट्समैन क्या करता है। पहले कोशिश करते हैं कि बैट्समैन गलती क्या कर रहा है, देखते हैं कि बैट्समैन गलती क्या कर रहा है, उसके बाद बात करेंगे कि उसके करेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं। चलो वापस आओ, अब इसमें आप देख रहे होगे कि बैट्समैन जो है क्या गलती कर रहा है। देखा होगा आपने कि जो उसकी बैक लेग है वो ऐसे हो जा रहा है, क्या है कि वो उसका जो हेड है वो गिर जा रहा है ऐसे, इसको बोलते हैं हेड गिरना। तो उससे वो क्यों गिर रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो जो है पिछले पैर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर वो नॉर्मली सेम ट्रिगर मूवमेंट करके अगले वाले टो को ओपन कर दें तो वो इजिली बॉल को खेल सकते हैं।
तो जो कोशिश करनी है आपको, अगर आपका बैक लेग ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है खेलते हुए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बैक लेग को यहीं रहने देना है और फ्रंट लेग को जो है बॉल की तरफ लेके जाना है। तो आप क्या है, इजीली बॉल की तरफ चले जाओगे, जो आपका पोस्चर है वो नॉर्मली बॉडी इजीली बॉल की तरफ हो जाएगा और आप इजीली बॉल को ऑन ड्राइव की तरफ खेल सकते हैं। यह गुड, चलो वापस शॉट, ट्रिगर मूवमेंट आगे की तरफ, ठीक है, बढ़िया, वापस से, ठीक है, ठीक। तो इसमें जो आप देख रहे होगे कि सबसे पहले जो है आपका स्टांस अच्छा होना चाहिए, और आप ये ना करें कि ऐसे इसकी तरफ फेस करके तरफ खड़े हो जाएं, नहीं, थोड़ा सा नॉर्मली सामने की तरफ रखें। ट्रिगर मूवमेंट करने के बाद आप नॉर्मली बैट को निकालें। आपका जो टो पोजीशन है वो अगर आप कोशिश कर सकते हो तो फर्स्ट स्टंप की तरफ हो तो और अच्छा है। उसके बाद पहले थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखें स्टंप के बीच, तो उससे क्या है इजिली आपकी एक हैबिट बन जाएगी। फिर उसको पास करें, और उसको पास करने के बाद फिर सिंगल हैंडेड करें, तो आपका जो ऑन ड्राइव है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा।